तो ये मैंने कर दिया ऑन। अरे अब भाई इसका साउंड तो पूरा ओरिजिनल लग रहा है, जैसे ओरिजिनल हेलीकॉप्टर का लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्स करने वाले सबसे छोटा आरसी हेलीकॉप्टर, मतलब रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इसके फीचर के बारे में जानेंगे, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और इसके एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, इसको एक बार चार्ज करने के बाद कितना टाइम उड़ेगा, ये भी हम टेस्ट करने वाले हैं। विदाउट रिमोट से उड़ा के देखेंगे, क्योंकि इसका मतलब वो ग्राउंड को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर ऊपर उड़ेगा, तो ये इसमें एक सिस्टम है, तो हम बिना रिमोट से भी इसको उड़ा सकते हैं, तो ये एक टेस्ट करेंगे। और दूसरा टेस्ट है कि हम रिमोट के साथ में उसको उड़ाएंगे और ये चेक करेंगे कि ये कितने हाइट तक जा सकता है, इसकी कैपेसिटी कहाँ तक है कि ये रिमोट के साथ कितने ऊपर जाएगा, तो ये हम चेक करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक देना। कार्यक्रम शुरू करते हैं, इसकी फ़ीचर के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर जो है, हेलीकॉप्टर के नीचे एक सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि आप बिना रिमोट के इसको उड़ाएंगे तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, तो जैसे ही ये ग्राउंड को टच करेगा अर्थ को, तो ऑटोमेटिकली वो सेंसर डिटेक्ट करके उसको फिर ऊपर ले जाएगा। तो हम ये भी टेस्ट करेंगे कि वो बिना रिमोट के कितने ऊपर तक जाता है। इंडोर आउटडोर फ्लाइट, यानी आप इसको घर में भी उड़ा सकते हैं और बाहर भी उड़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप बाहर ही उड़ाइए, घर में उड़ाएंगे तो किसी भी चीज़ से टकराएगा, पर इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये किसी भी चीज़ से टकराने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपको नीचे का स्विच ऑन ऑफ कर दीजिए, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुल एलईडी लाइट है, यानी इसमें दो लाइट है हेलीकॉप्टर के नीचे और एक जो है हेलीकॉप्टर के नोज पे लाइट है यहाँ पर, और तीसरा जो है 3D फ्लाइट है। एक्चुअली ये तो पूरा उड़ने के बाद जैसे लगता है कि हम कोई ओरिजिनल हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम दे रखा हुआ है कि यदि आप किसी भी चार्जर से चार्जिंग करोगे इसके, तो इसकी बैटरी में कोई डैमेज नहीं आएगा। बट मैं रिकमेंड आपको ये कर रहा हूँ कि आप कोई भी चार्जर यूज करने से पहले चार्जर को देख लीजिए, आप चार्जर मिनिमम 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का ही यूज करें। इससे क्या होगा कि बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा होल्ड का लिया तो बैटरी, इन केस समझ लो कभी कुछ टेक्निकली ख़राब आ गई तो बैटरी ख़राब हो सकती है, तो 5 वोल्ट का चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पीछे से काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है हेलीकॉप्टर का, इसके पीछे लिखा हुआ है एक्सीड हेलीकॉप्टर ड्यूअल कंट्रोल फ्लाइट, यानी इसमें दो इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, एक ऊपर के फ़ैन को अलग लगा हुआ है और नीचे के फ़ैन को अलग लगा हुआ है, तो मैं ये आपको बारीकी से डिटेल में बताता हूँ। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसको मैंने पहले से ही खोल रखा है और फुल चार्ज करके रखा हुआ है, ये रखा हमारे। तो फिलहाल हमें बॉक्स के अंदर 3 चीज़ें तो मिलने की है, एक तो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, दूसरा ये चार्जिंग वाला कॉर्ड मिलेगा कि आप किसी भी चार्जर से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं, और तीसरा जो है रिमोट, बहुत ही अच्छा रिमोट है। यहाँ पे 2 LED दे रखी है और पीछे अपन सेल डाल सकते हैं, 2 सेल इसमें रिमोट सेल लगेंगे बारीक पेंसिल वाले, काफ़ी अच्छा लुक है और दिखने में पूरा ओरिजिनल है। तो ये जो है यहाँ पे एक LED दे रखा है, ये वाला LED और ये नोज पे दूसरा LED, और ये जो चार्जिंग का सॉकेट है, स्विच है ये ऑन ऑफ करने का, और ये जो है सेंसर है ग्राउंड सेंसर। गाइस इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, यानी ये किसी भी चीज़ से टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबल है पूरा, और टकराने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं तो आपको अराउंड ऑनलाइन मिल जाएगा 450 से 500 के अंदर मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। देखते हैं कितने ऊपर तक जाएगा बिना रिमोट के। तो ये मैंने कर दिया ऑन। अरे अब भाई इसका साउंड तो पूरा ओरिजिनल लग रहा है, जैसे ओरिजिनल हेलीकॉप्टर का लगता है। तो ये मैं ग्राउंड में लेके जा रहा हूँ
और ये छोड़ दिया मैंने, बस ये इतना ही हाइट पे उड़ेगा। तो गाइस हम इसको अभी रिमोट से उड़ाएंगे कि देखते हैं कितने ऊपर तक जाएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ ऑन, ये जा रहा है ऊपर।